हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सारे के सारे। होप्स सब के सब बढ़िया हो गए और डूइंग वेल इन लाइफ। तो आज के ब्लॉग में यार मैं जाने वाला हूँ बैंक में। एक बैंक वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जे एंड के बैंक वालों ने, क्योंकि यार मैंने बहुत देर पहले उनके पास खाता खुलाया था और उन्होंने मेरे को एक ATM दिया, वो चल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसे ही था, मतलब उन्होंने लिंक नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही मेरे को पकड़ा दिया था और मैं ऐसे ही पावलों की तरह लगाए जा रहा हर जगह, वो चल नहीं रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो ख़राब है, तो अब वो नया दे रहे हैं। तो नया लेने के लिए पहले भी गया था मैं, तो तब वो वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब जितनी बार जाओ वहाँ पे होते नहीं है, तो इस बार जाऊँगा। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं आगे। तो चलो चलते हैं साथ में। हमारा फ्रेंड है एक अंकित, उसकी छोटी सी सर्जरी हुई है, तो उसके पास भी जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो चलो मेरा काम हो गया, यहाँ से एंचो कोई भी काम करना हो पहले मुझे 5 किलोमीटर तो दूर आना पड़ता है। ये इतनी दूर है यहाँ से, ये देखो ये अलग ही गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ है। गर्लफ्रेंड बता। तो यार ये बड़ी गंदी हो गई थी, इसको धुलवा रहे हैं अब। बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी हुई थी, अब धुलवाते हैं जल्दी। वो आशिक ए बब्बू ही फोन कर रहा है। आशिक मैं बब्बू ही फोन कर रहा है। मैं निभा हूँ, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, मैं अपने मम्मी पापा देखते हैं क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है देखते हैं। ठीक है ना कर। हमने बोला था नंगा हो जा, लास्ट व्लॉग में नंगा दिखाया हुआ है। बाइबल उसमें तो नंगा यार, इतनी शर्माती है। ये आ गया और इसकी स्कूटी भी लग गई यहाँ पे साफ होने के लिए, तो अब होगी। ये देखो ये इसकी स्कूटी, वो मेरी बाइक साफ हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे अपने काम पे। हाँ इसकी बाइक तो आई नहीं, तो ले आते बेटा। दस मेरी ये मशूके नी शहर तू केड़े शहर दी बन गई, दलनी साडे प्यार आलू हाय। ना 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 साडे वारी रंग मुकिया बोली ग्यारह नाल ये ओए नहीं वो साडे वारी रंग हां नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल लाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल लाल। बस और कोई एक था वो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, ए जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, अगर जाते कोई रोंदा होवेगा। कितने आता है? बहुत सही बहुत सही। गिव इट अप, बहुत आठ बहुत। गिव इट अप, गिव इट अप। और चुप हो जा सातवीं फेल। तो फ्रेंड्स अभी मैं कुछ बेसुरों को साथ लेके जा रहा हूँ अंकित के घर पे। अंकित के घर पे क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब अभी तो फ्रेंड्स ओए चुप चुप। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं अंकित के पास, अंकित का ऑपरेशन हुआ ना। ये देखो बेचारा लेटा हुआ है, देखो कितना बेचारा आराम से लेटा। और ये पैरिश है, ये पैरिश है, ये देखो। तो फ्रेंड्स हमने सोचा था ये कहीं लेट होगा, ये देखो ये तो घूम रहा है, ये तो घर पे इधर उधर घूम रहा है। और ये देखो ये पेशेंट बन के लेटा हुआ है, ये पेशेंट भाई इधर उल्टा ही चल रहा है, पेशेंट सीधा लेट। संजू को दिखा, नहीं नहीं पेशेंट, ये भी पेशेंट है, ये भी लेटा हुआ है, ये वही फ्रेंड वाला सीन हो गया। तो फ्रेंड्स हमने आपको देखो दिलाना मेरा काम, दिलाना मेरा काम, क्लोन दिलाना। ओए क्लोन क्यों दिलाना है? एक क्लोन ही लेना है। क्लोन मैं दिला दूंगा, चुपचाप करके बैठ अभी।
यार कर रहा हूँ ना कुछ काम यार, भाई नहीं है यार तू, इतना सा भाई नहीं है। वो जाओ पापी हो तुम, वो जाओ। मैं कोई ऐसी चीज बोल दूंगा और मैं डाल दूंगा कसम से, अगर एक और बार बोल रहा मैं कसम से डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स हमने पिछली गर्लफ्रेंड से बात करने लगा हुआ है आंटी, जब से आया हुआ है ना आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि हम ट्यूशन स्किप करते थे, पर ऐसा नहीं था कि हम जानबूझ के स्किप करते थे। देखो इधर है थोड़े से बच्चे, अभी एक दो नहीं है, जब भी हम हमें स्किप करनी होती थी हमें सिर्फ नहीं पता होता था कि सर नहीं पहुंचने वाला है, और सर नहीं पहुंचता था, है ना। सर होते थे मैथ वाले, मतलब एक सर मैथ वाले जो होते थे वो उनको आने ही आना होता था, सुनामी हो पहाड़ गिरे कुछ भी हो जाए वो बाइक पे छतरी लेके आ जाते थे। एक सर की रेंट थी वो नहीं आता था अंचल सर, और एक सर की रेंट थी अलावा मैथ वाले सर, एक केमिस्ट्री वाले सर थे वो जम्मू में थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो वो नहीं आते, पता नहीं क्यों। सही में और अब क्या देखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसने ना पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि मैंने जेई का पेपर बैठ के पार्क में दिया था, मैंने ये भी था। तो मैंने कैसे दिया था बताओ, कौन बताएगा। पार्क में बैठ के दिया था मुझे भी दिया। मैं पार्क में बैठा था, मेरे को सर का और मेरे फ्रेंड का फोन आया कि भाई तू कहाँ पे है, तो उस दिन हमें पता चल ही जाता था कि इसकी भी हमें पता चली जाता था कि आर्ट टीचर हो रही है, ये हमें आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जेई का पेपर था, तो मैंने जेई का पेपर दिया था पार्क में बैठ के, वो हमने ऐसे दिया था कि टीचर ने फ़ोन किया कि आप कहाँ पे, उस दिन था जेई का पेपर और आधे से ज़्यादा बच्चे जेई का पेपर दे रहे थे, तो उस दिन हमारी ट्यूशन में टेस्ट था और टेस्ट लेने नहीं वाले थे सर क्योंकि कोई आया ही नहीं हुआ था, तो पर अगर हम जाते तो टेस्ट होता क्योंकि हम ही क्वान्टिटी कितनी होती थी हमारी, चार पाँच बच्चे चले गए तो टेस्ट होगा, तो हम नहीं गए। पाँच में चार बजे तो पार्क में बैठे सर हमें कहते आप क्यों नहीं आए, तो करना कैसे कर रहे थे सर पे लोग कि भी बाइक चला रहा है, हाँ बाइक चला रहा है। हम ऐसे सर को दिखा रहे थे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, और मैंने सर को कहा कि मैं जेई का पेपर दे के वापस आ रहा हूँ, और मैं बैठा पार्क में हुआ था, है ना, है ना, है ना। मुझे याद है सर था हमारे जो सर थे, ये था है जिंदा अभी, जिंदा अभी जो सर हैं वो, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स आते थे नाम नहीं लेंगे सर का, हाँ मतलब क्या करने के लिए, ऐसे पूछने के लिए कि हमारा बच्चा कैसे चल रहा है, तो उनको बस एक बहाना आता था पीटीएम, हाँ वही पीटीएम लगा लो, बच्चा बहुत अच्छा है, बस एक आती बच्चा बहुत अच्छा है, बस इसकी संगति खराब, पढ़ने में बहुत अच्छा आपको, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बट संगति खराब, बट इसकी संगति खराब है। मेरे पापा गए थे, उनको तो सीधा कह दिया था कि इस लड़के के साथ रहता है पंकुल, आपको पता होगा जिसके पास आर्मन फाइव है उसके साथ रहता है, उसको सीधा बदलाव कर दिया, नहीं उसके साथ रहता है संगति खराब है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ लिया उसको बोला संगति खराब है। उसके पापा एक्स्ट्रा ट्यूशन से लगवाने के लिए आए थे, और हम दीवार के पीछे बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है भाई, हमने पूरी बात इंजॉय की थी सर की, पूरी डिटो थी, मतलब पूरी फुल डिटो, जैसे मेरे पापा को बताया ना, शराब पी है मैंने, भूखी मारी है, और भी है कुछ वो भी खाया है पांगड़ी, तो जो वो मल के आया बाहर अंकित घर के बाहर, वो मल गया मेरे इधर हाथ हो गया मार पकड़ पकड़ के, वो डिटो सेम बात बताई थी ना वही इसके पापा को बताई, और एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई इसकी, इसने एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ी है, और हम बिना एक्स्ट्रा क्लासेस वाले, ये भी लिखा था सुबह जाता था पढ़ने के लिए, पूरा जानता था मैं इसकी, तो पूरे दिन पढ़ाता था अच्छे से। मैंने और सुदीक्षा जाना, तूने कभी देखा बंदा सुबह की क्लास बंक मारेगा, हमने गेट धीरे से खटखट करना, कोई है
मिस कॉल मानी नाम की सिर्फ पता चल जाए मिस कॉल आई हुई है वहाँ पे करके साइड पे दुकानें थी उसके पास जाके ना लगा के गाने लगा के बैठ जाना वैसे वैसे पैदल होके आया ना नहीं बाइक पता कैसे करके आनी पीछे पीछे से बंद कर देनी एकदम साइलेंटली लानी मोड़ काटना दखत मारते हुए आगे जानी फिर आगे जाके स्टार्ट करके निकल जाना तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी बहुत बढ़िया देखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंटी सुन रहे हो ना बहुत बढ़िया हाँ सुन रहे हो ऐसी आंटी आंटी हम इसको कभी क्लास स्किप करने के लिए बोलते थे वैसे तो क्या नहीं आंटी हम ना पढ़ते थे हम सब कुछ पढ़ते थे चल झूठा हम इसको बोलते थे पेरिश तू भी पढ़ पर नहीं ये कहता था नहीं आज उधर चलेंगे पर आंटी पर जिस दिन हमें पता तू मारते थे पंक मेरे को केमिस्ट्री वाला खुद निकाल दे हमें पता नहीं क्यों तो भाई एक बार क्या हुआ हमारे ट्यूशन में कुछ भी नहीं चल रहा पंखा एक पंखा चल रहा था तो क्या हुआ सारे बच्चे एक पंखे के नीचे जा रहे हैं दूसरा वाला पंखा बंद था तो सब बच्चे उधर जा रहे थे सर ने क्या किया दोनों पंखे बंद करा दिए कहता जिसको पढ़ना है पढ़ो जिसको नहीं पढ़ना दफा हो जाओ ठीक है ये उठा मैंने इसको बोला कि तू उठ मैं भी उठता हूँ हम सारे उठ गए इसको मैंने सिर पर चांटा मारा और ये बाहर चला गया और मुझे पंकुल ने पीछे से खींच लिया मुझे खींच लिया और मैं बैठ गया वो बेचारा बाहर पंकुल ने इसको खींच लिया मुझे खींच लिया मैंने अकेले खींच लिया हम सारे बैठ गए ये कल्ला बाहर कहता बेटा वो तो प्यार है मैं मेरे को नहीं चाहिए प्यार सर मर्द की जुबान होती है पर साथ में उस क्लास में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे शीशों से सब कुछ बंद किया हुआ था और शीशे में से सिर्फ गर्मी अंदर आती थी खिड़कियों पे शीशे लगाए थे ताकि हवा हाँ वही ना शीशे बंद कर दिए थे ताकि सिर्फ गर्मी अंदर आए और हवा तो आती नहीं थी अंदर और हम इतने उसमें पढ़ते मैं चाहता तुम भी पढ़ो बोल ना बोल सर कुछ नाम लिया आपने भैया कुछ नाम लिया तो मतलब बंद हो रहा था सब बंद हो रहा था शीशे शीशे बंद करके हमें वहाँ पढ़ा देना ऐसे नहीं और भाई पंखे के बिना वहाँ पे इतनी गर्मी होती थी इतनी गर्मी होती थी और सर हमें कहता बैठो हम नहीं बैठने वाले थे हमें पता है उस सर ना हफ्ते में सिर्फ दो दिन पढ़ाने आता है ना एक दिन उसकी गाड़ी पंचर हो जाती और हमारे फिजिक्स वाले सर इतने इंटेलिजेंट थे ना बहुत इंटेलिजेंट नहीं यार वही बता रहा हूँ बंदा इंटेलिजेंट था मतलब जो भी पढ़ाते थे तुनु चला गया ना उसने तो बहुत देर पढ़ा उसने बहुत मतलब हम ऐसा होता था ना कि हम एक घंटा पढ़ते थे वो तीन घंटे पढ़ता था सर से एक क्लास तीन घंटे और बाकी बता क्लास से पढ़ता था ये एक क्लास नहीं वो सारी क्लासेस पढ़ता था और मतलब केमिस्ट्री वाले सर जिस दिन नहीं आए मतलब अगर दो दिन आते थे वो स्कूल बाकी तो जो बाकी के चार दिन होते थे या तीन दिन होते थे उसमें सर क्या करते थे कि किसी और टीचर को भेज देते थे कि कहते थे जाओ इनका टेस्ट लो कुछ भी ऐसे ही सरप्राइज ठीक है और वो टेस्ट कभी चेक ही नहीं होते थे मतलब सर कभी वो चेक ही नहीं करते थे हमने एक दो बारी दिया हाँ हमने एक बार दो बारी दिया फिर उसके बाद पता चल गया कि क्या सीन है हमने कहा कि आप बाइक मतलब बाइक ऐसे हम ट्यूशन के बाहर लगाते थे ऐसे हमने बाद में एक गली थी हमारी ट्यूशन के साथ वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया जब मतलब जब ऐसा माहौल हो कि सर नहीं आए और पता चल टेस्ट होने वाला है और वो टेस्ट चेक भी नहीं होगा बोलो हमारी गैंग कहाँ बाहर भागी है वो पार्क में जिस दिन हम सारे ना दिखे हैं सारे समझ आते थे सारे बंदे बन चुके हैं मैं तुम्हें बताता हूँ चलो मैं ना पता जिस दिन ट्यूशन में छुट्टी होती थी हम उस दिन भी मंगमार मतलब उस दिन भी हम सब ट्यूशन स्किप करते थे बट हम इस हिसाब से स्किप करते थे कि मेरा घर और ट्यूशन कितना एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर ठीक है वहाँ से वो भाई पाँच किलोमीटर दूर से ट्यूशन स्किप कर ले आता था वो एक और है अभी दो और है एक तो तरुण तो बीमार ही रहता था तरुण तरुण को पता क्या और एक था तरुण हमारी ट्यूशन का तरुण भाई आप देख रहे हो तरुण देख रहे सही में मतलब वो ना खींच के कोई दो महीना आया होगा ट्यूशन और उसने 12 महीने की फीस भरी है ना और उसको फ़ोन करो बेटा कहो बीमार सर बीमार हम भी कॉल करते थे ना कि आज क्लास स्किप करेंगे आज क्लास नहीं लगनी है बीमार हो गई बीमार पूरे दिन बीमार रहता था भाई अबे गधे कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू और कोई बीमारी नहीं आती तुझे जब भी देखो तो छाती पकड़े उसने आज कहा भी मोबाइल पे कि मैं वो करता था बहाने लगा है ना
और सबसे सही स्किप मास्टर, बंक मास्टर कह सकते हैं पंकुल भाई, वो पांच मिनट खाली बोल रहा है उसको वाले बोला पंकुल हम जा रहे हैं बंक पे वो दरवाजे पे ऐसे नहीं ओ भाई मैं नहीं जा सकता मैं आगे टाइम के बाद आया मैंने पढ़ना है मैं पंकुल कितना ओ कितना टाइम कब जा रहे हो निकलो ओए दर्द हो गई यार पकड़ पकड़े मैं पता क्या करता था जैसे इसके पास गया हम तो ऐसे थे ना कि दो क्लासेस पढ़नी है वो अंदर जाने से पहले भाई पढ़ना है भाई आज पढ़ना है हाँ भाई पढ़ना है भाई उसको बाहर से खींच खींच के अंदर लाते थे कि भाई पढ़ना है वो अंदर ही नहीं आता था कि पढ़ना ही नहीं है ना वो हमें डीमोटिवेट करता था वो हमें पूरी तरह से डीमोटिवेट करना क्या करना है पर हम उसको लेके आते थे भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाया बहुत मेहनत है हमारी हमारे बहुत पढ़ाया था अगर वो पास हुआ है तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो उसके पास हर एक सर के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होते थे कोई भी सर ले लो जम्मू का कोई भी सर तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर पे और आपने हमारा निब्बा देखा संजय को देखा अंकित को देखा तो हमारा निब्बा आपको कैसे लगा जरूर बताना और वो अंकित को देखने नहीं गया था वो अपने आप को दिखाने अंकित के पास गया था तो बस इतना ही था तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर करना बस